निर्माता फरहान अख्तर की अगली कॉमेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस है। लंबे वक्त से इस मूवी का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच प्रतीक गांधी, दिव्येदु शर्मा और अविनाश तिवारी स्टार मडगांव एक्सप्रेस का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। कॉमेडी से भरपूर इस ट्रेलर को देखने पर आपको मजा आने वाला है। फुकरे जैसी शानदार कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी बनाने वाले निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी आने वाले समय में फैंस को लोटपोट करने के लिए आ रहे हैं। फिल्म का नाम है मडगांव एक्सप्रेस और ये कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। इस मूवी का नाम बीते दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच मडगांव एक्सप्रेस का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें तीन दोस्त यानी प्रतीक गांधी, दिव्येदु शर्मा और अविनाश तिवारी की गोवा ट्रिप की मजेदार कहानी को दिखाया गया है। मडगांव एक्सप्रेस फिल्म का डायरेक्शन कुणाल खेमू ने किया है। ये पहला मौका है जब कुणाल किसी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। मडगांव एक्सप्रेस का ट्रेलर रिलीज एक्सल मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। फिल्म के इस ट्रेलर में तीन दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जो गोवा जाना चाहते हैं और जब वह गोवा पहुंच जाते हैं तो वह किस तरह से वहां नई मुसीबत में फंसते हैं, वो देखना दिलचस्प है। कॉमिक पंच लाइन और संवाद आपको इस ट्रेलर में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। मडगांव एक्सप्रेस में आपको दिव्येदु शर्मा, प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी और नूरा फतेही जैसे कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। कॉमेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की रिलीज डेट की तरफ गौर किया जाए तो ये मूवी होली के आसपास बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। 22 मार्च को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है और वह इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।